फेसबुक के जरिए शुरू हुई मोहब्बत का अंत इतना दर्दनाक होगा इसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। पुलिस ने जब वारदात से पर्दा उठाया तो सब सन्न रह गए। मामला फतेहपुर के गाजीपुर थाना इलाके का है, जब 17 फरवरी को एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। युवती की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। आज मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि युवती का पिछले कई सालों से फेसबुक के जरिए बांदा जिले के रहने वाले अभिमन्यु नाम के लड़के से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों की मुलाकात का जरिया फेसबुक बना, नंबरों का आदान प्रदान हुआ और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान युवती लगातार प्रेमी से शादी करने का दबाव बनाती रही, लेकिन प्रेमी के मन में कुछ और ही चल रहा था। 17 फरवरी को प्रेमिका को मिलने के बहाने बुलाया। इस दौरान प्रेमी युवक अपने दोस्त के साथ मौजूद था। दोनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया और हादसे का रूप देने के लिए ट्रैक्टर उसके सर पर चढ़ाकर बलीपुर गांव के पास शव छोड़कर फरार हो गए। घटना का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। साथ ही हत्या में उपयुक्त ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया गया है। 17/18 की रात में थाना गाजीपुर क्षेत्र के वलीपुर रोड पे एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ था। शव प्राप्त होने के बाद में पुलिस ने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है और जो परंपरागत ढंग है पुलिस का, मुखबिरों का जाल बिछाया, तो उससे जो है मुखबिरों से जानकारी मिली कि इस घटना में बांदा के लोग शामिल हैं। फिर पुलिस के द्वारा सर्विलांस की मदद से इस बात की पुष्टि हुई कि इसमें अभिमन्यु उर्फ अजीत निवासी कुकराही थाना तिंदवारी जनपद बांदा का जो है आदमी था। उसके बाद फिर इनसे पूछताछ पर इस बात का खुलासा हुआ कि जो अज्ञात महिला थी उसका नाम अनीता था, अनीता पुत्री कुंवर लाल निषाद निवासी गोकुलपुर थाना जहानाबाद की थी वो, और फेसबुक पे इनकी दोस्ती हुई थी 5 वर्षों से। उसको इन्होंने बुलाया था क्योंकि वो महिला इनके ऊपर शादी का बराबर दबाव डाल रही थी और ये जो है झांसा तो दिया था इन्होंने शादी का, लेकिन शादी करना नहीं चाहते, इसलिए अपना पिंड छुड़ाने के लिए जो है अपने भाई की मदद से इन्होंने उसको 17/18 की रात में योजनाबद्ध तरीके से यहाँ बलीपुर में रोड एक्सीडेंट दिखाने के लिए जो है उसकी हत्या कर दिया और फिर यहाँ से गायब हो गए थे। पुलिस ने बाद में उनको गिरफ्तार किया, फिर मृतका के घर वालों को बुला करके शिनाख्त कराया तो फोटो से और कपड़ों से अनीता की पहचान हुई और इस बात की जो है इन्होंने स्वीकार भी किया है कि इनके द्वारा हत्या की गई है। आज इनको न्यायालय रवाना किया गया। हत्या दोनों लोगों ने ईंट से पूछा था उसको सिर पे और उसके बाद फिर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा दिया था जिससे ये लगे एक्सीडेंट। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।